हेलो माय यूट्यूब फैमिली एंड फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं शगुफ्ता और आज मैं आपको बताऊंगी प्रो मेकअप किसे कहते हैं। प्रो मेकअप का मतलब है हमें मेकअप करने से पहले किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए और क्या स्टार्टिंग हम करें, जो जब हम मेकअप करते हैं तो हमें क्या चीज़ों का ध्यान रखना है। सबसे पहली चीज़, हमारा क्लाइंट जब आता है उसका फेस हमें देख लेना है। अगर उसने पहले से मेकअप कर रखा है तो आप उसको मेकअप को रिमूव करोगे। रिमूव करने के लिए आपको चाहिए क्लिनजिंग मिल्क, अगर आपके पास है तो उससे क्लीन करो। मेकअप रिमूवर है तो आप उससे क्लीन करो। अगर वो भी नहीं है तो मॉइस्चराइज़र से क्लीन कर सकते हो। अगर वो भी नहीं है आपके पास तो कोकोनट ऑयल, आप उससे मेकअप रिमूव कर सकते हो। अच्छे से आपको मेकअप रिमूव कर देना है। आजकल मार्केट में वाइप्स भी आए हुए हैं, आप उससे भी क्लीन कर सकते हो फेस। वो आपके लिए बीच में भी आपके काम आते हैं, मेकअप जैसे कि आपका निकल जाता है जब आप आई मेकअप करते हो, फॉल आउट हो जाता है आपका ग्लिटर वगैरह, तो आप अच्छी तरह उससे क्लीन कर सकते हो। मैं आपको दिखा रही हूँ, ये इस तरह के आते हैं वाइप्स, ये आपके बहुत काम आता है। अगर आपके पास मॉइस्चराइज़र भी नहीं है, कुछ नहीं है, कोकोनट ऑयल भी नहीं है, तो आप इससे अच्छी तरह कर सकते हो। इसकी आपके पूरे मेकअप में काम आएगा। जब आप आई मेकअप करते हो, सारा आई शेड्स अगर आपके फेस पर गिरता है तो आप इससे अच्छी तरह रिमूव कर सकते हो। उसके बाद आप कंसीलर वगैरह अप्लाई कर सकते हो, उससे कोई दिक्कत नहीं होगी और बहुत अच्छा रिजल्ट आता है इसका भी। तो हम बात कर रहे थे प्रो मेकअप की कि हमें मेकअप किन चीज़ों से रिमूव करना है। अब मैं बात करती हूँ उसके आगे के प्रोसीजर की, आपको उसकी स्किन को कैसे प्रेप करना है जिससे कि उसके फेस पे अलग शाइन दिखे और बहुत अच्छा सॉफ्ट सा लुक आए। तो आपको करनी है टोनिंग। टोनिंग में मैं आपको दिखा देती हूँ, टोनर समझ में नहीं आता काफ़ी लोगों को, फिर मैं आपको दिखाती हूँ तो टोनर किसे कहते हैं। मेरे पास ये टोनर है, ग्रीन एप्पल का टोनर है। एक ये टोनर होता है, इसको आप निकालोगे और देन स्प्रे कर दोगे कस्टमर के फेस पे अच्छे से, बहुत अच्छे से, जिस दिख रहा है आपको गीला हो जाएगा। छोड़ देना है आपको 5-7 मिनट, जब तक ये अपना काम ना करे फेस पे, जब तक ये सूखेगा, उसके बाद आपको मॉइस्चराइज़र अप्लाई करना है। टोनर, ये भी मेरा टोनर है, ये सबसे ज़्यादा मैं यूज़ करती हूँ अपने फेस पर। इसको आपको कर देना है ड्राई, 5-7 मिनट के लिए छोड़ देना है। उसके बाद आपको करना है मॉइस्चराइज़र। मॉइस्चराइज़र अगर उसकी ऑयली स्किन है तो आपको करना है जेल मॉइस्चराइज़र यूज़, और अगर उसकी ड्राई स्किन है तो आपको करना है क्रीम बेस्ड यूज़। इसका मैंने आपको पहले भी मेकअप में दिखाया था, सेल्फ मेकअप के अंदर दिखाया था। नहीं समझ में आता तो कमेंट करके पूछ सकते हो, मैं दोबारा वीडियो बनाऊंगी इस चीज़ के ऊपर। अभी मैं सिर्फ आपको प्रो मेकअप के बारे में समझा रही हूँ। जब आगे मैं मेकअप की क्लास दूँगी तब मैं उसके बारे में आपको और अच्छे से डिटेल में बताऊँगी। तो यही था मेरा आपका प्रो मेकअप कि हमें किस तरह आपकी स्किन को प्रेप करना है, समझ गए आप। क्लिनजिंग करनी है, अगर क्लिनजर नहीं है मेकअप रिमूवर यूज़ करना है। मेकअप रिमूवर भी नहीं है तो आपको करना है कोकोनट ऑयल यूज़। अगर वो सब कुछ नहीं है तो मैंने आपको दिखाया वाइप भी आते हैं, उससे भी आप क्लीन कर सकते हो फेस को। देख लिया आपने फ्रेंड्स किस तरह आपको प्रो मेकअप का मतलब तो आपको समझ में आ गया होगा। प्रो मेकअप कहते हैं किसे के मतलब है हमारा क्लाइंट को एकदम फेस उसका रेडी कर देना मेकअप के लिए, जो भी मेकअप उसके फेस पे लगा उसको रिमूव कर देना है पहले से। उसके बाद हमें प्रेपरेशन करनी है, टोनर करना है, मॉइस्चराइजिंग करनी है, उसकी स्किन को छोड़ देना है रेस्ट लेने के लिए 15 से 10 मिनट। उसके बाद आपको आई मेकअप स्टार्ट करना है। बाकी जितना मेकअप होगा मैं आपको धीरे धीरे बाद में बताती रहूँगी। वीडियो को पूरा देखा करो, लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो, बेल आइकन को ज़रूर दबाओ। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।